हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैलून फैक्ट। गाइस, आज मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं लोरियल के कलर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वेला के मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप मैं श्योर्स को मतलब कोई अदर फैमिली के कलर करता हूँ या करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैं लोरियल के कलर कर लेता हूँ लेकिन वेला के कलर मुझे समझ ही नहीं आते। कोई कहता है स्योरस्कोप के समझ नहीं आते, मैं वेला के करता हूँ। मतलब एक सीरीज सबने पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके रखी हुई है तो, लेकिन ऐसा, लेकिन गाइस मेरा मानना है अगर आप किसी भी एक ब्रांड में अच्छे से खेल जाओ, यानी कि आप एक ब्रांड को अच्छे से समझ लो, उसकी रिफ्लेक्शन समझ लो, तो आप किसी भी ब्रांड में का अच्छे से कलर कर सकते हो। उसकी बस आपको क्या समझना होता है गाइस, देखिए 1 से 10 तक के हमारे जो बेस शेड होते हैं वो आप इजीली याद कर सकते हो, वो सबके सेम होते हैं। लेकिन हमें दिक्कत क्या पड़ती है, लोरियल मैट्रिक्स स्ट्रिक्स इन तीनों की रिफ्लेक्शन सेम है। सेम मतलब पॉइंट है कि अगर 0.3 इसका गोल्ड है तो स्ट्रिक्स और मैट्रिक्स का भी 0.3 गोल्ड ही होगा। और चेंजिंग जहाँ आती है वहाँ पे आती है हमारी श्योरस्कोप की और वेला की। लेकिन आप इन तीनों की रिफ्लेक्शन को अगर याद कर लोगे तो आप ये कहना छोड़ दोगे कि मैं ये वाला कलर कर सकता हूँ, वेला में मेरे को प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होती है रिफ्लेक्शंस में। गाइस आज हम यही बात करेंगे कि अगर आपको लोरियल से करना आता है या फिर वेला से आता है, श्योरस्कोप से आता है, आप इन तीन सारी फैमिली से अच्छे से कलर कर पाओगे। तो गाइस वो किस तरीके से आप कर पाओगे, तो वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं और हम थ्योरिकली अच्छे से समझते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1 से 10 तक के हमारे बेस कलर होते हैं वो आपको तीनों कंपनी यानी तीनों ब्रांड में सेम मिलेंगे। 1 से 10 तक के जो हमारे बेस शेड होते हैं, लोरियल, श्योरस्कोप, वेला, स्ट्रिक्स, मैट्रिक्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जिसने लोरियल की फैमिली से खेल लिया वो स्ट्रिक्स और मैट्रिक्स की फैमिली से खेल सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों के सेम रिफ्लेक्शन है। अब गाइस बात करते हैं, ये हमारे लोरियल की रिफ्लेक्शन, ये हमारी श्योरस्कोप की रिफ्लेक्शन और ये हमारी वेला की रिफ्लेक्शन। इन तीनों को आप बस याद कर लो, तीन के आपको दो ही याद करने पड़ेगी क्योंकि एक फैमिली से तो आप अभी खेलते होगे, लोरियल से खेलते हो तो आप ये दो याद कर लो, श्योरस्कोप से खेलते हो तो आप लोरियल वेला याद कर लो, वेला से खेलते हो श्योरस्कोप लोरियल याद कर लो। ठीक है, टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा लर्न करने में, आपको बस समझना है। अब आगे बात करते हैं, आपको तीनों की रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से याद है, लर्न है। आप सभी को पता है कि इसका 0.4 कॉपर है, इसका डैश 4 बैज गोल्ड है और इसका स्टॉक 4 रेड है। आप आराम से किसी भी ब्रांड में कलर कर सकते हो। क्या बस क्या समझना है, जो ये लॉरियल है ये अपनी रिफ्लेक्शन के आगे पॉइंट लगाती है, जो श्योरस्कोप है ये अपनी रिफ्लेक्शन के आगे डैश लगाता है, एक इस तरीके का डैश लगा होता है, इसको डैश कहते हैं। वेला के जो कलर है ये अपनी फैमिली मतलब रिफ्लेक्शंस के आगे स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है गाइस, ये जो ऐसे आपको दिख रहा होगा स्लैश सा, ये स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो इनके कलर ट्यूब को लर्न अगर हम करेंगे तो हम ये कलर करेंगे 7.1, इसका होगा 7, लर्न बता रहा हूँ कैसे करोगे, 7-1 इसका होगा 7-1। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है लेकिन क्या कलर में कोई डिफरेंट आया, 7.1 जैसा है वैसे इनका 7-1 और 7-1 सेम होगा क्योंकि जो 0.1 जो है एक है जो इन सबका एस है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अगर आप लोरियल के ब्रांड में खेलते हो, लोरियल के ब्रांड में आपको चाहिए 7.3, लोरियल के ब्रांड में आपको 7.3 चाहिए, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, श्योरस्कोप में आपको 7.3 करना है। तो पहले हम देखेंगे पीछे की रिफ्लेक्शन क्या है हमारी, पीछे की रिफ्लेक्शन हमारी गोल्ड 0.3। अब हम श्योरस्कोप में अगर फैमिली में खेल रहे हैं यानी हमें कलर करना है तो उसका गोल्ड क्या है, -5, तो वो श्योरस्कोप में जाकर 7.3 जो है वो श्योरस्कोप में जाके 7-5 बन जाएगा। ठीक है, वो 7-5 बन जाएगा।
अगर आपको वेला में जाना है तो वो पहले आपको गोल्ड देखना होगा कि वेला में गोल्ड कौन सा होता है, डैश थ्री, तो वेला में होगा वो 7/3। ठीक है, आप देखो तीनों जो हमारे कलर देंगे वो मीडियम ब्लोन गोल्डन की रिफ्लेक्ट देंगे, लेकिन नंबर क्या अलग हुआ बस सोर्स ऑफ का डैश 5। देखो इनका गोल्ड इसके गोल्ड में फर्क थोड़ी होगा, इनका जो गोल्ड है वो लाल कलर थोड़ी आपको दिखाएगा, गोल्ड तो गोल्ड होता है, दंगल वाला डायलॉग बन गया तो गोल्ड हो गए। ठीक है गाइस, गोल्ड तो इनका भी गोल्ड जो होगा इसका भी गोल्ड जो होगा इसका भी गोल्ड होगा सेम होगा, नंबर का फर्क है, इसलिए आपको सारी रिफ्लेक्शन अच्छे से लर्न करनी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, समझने वाली सिंपल तरीका है। अब मैं एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ, अगर आप शॉर्टकॉफ में खेलते हो, शॉर्टकॉफ में खेलते हो और आपको चाहिए कॉपर कलर 8-7, डैश 7 क्या है कॉपर, अब आपको लोरियल में पता करना है कि 8-7 कॉपर, आपको पता है शॉर्टकॉफ में लोरियल में कॉपर क्या है, आपको रिफ्लेक्शन याद होगी तभी तो आप दूसरा कलर कर सकते हो, आपको पे शॉर्टकॉफ का नहीं है, शॉप पर आपको लोरियल का कलर खरीदना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पीछे की रिफ्लेक्शन अगर इसकी कॉपर तो लोरियल में क्या है, आगे की संख्या तो सेम रहेगी, मैंने बताया 1-10 आगे के बेस होते हैं, ये सेम रहती है हमेशा तीनों या किसी भी ब्रांड की, ICC होते हैं इंटरनेशनल कलर कोड, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सबके सेम होते हैं। अब इसका कॉपर क्या है, लोरियल में जाओगे 0.4 कॉपर है, तो ये का 8-7 जो कलर है वो लोरियल का होगा 8.4। ठीक है गाइस, आप वेला में आपको कहीं कॉपर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वेला में कॉपर की सीरीज अवेलेबल नहीं है, इसको बनाने पड़ती है। वो कॉपर कलर कैसे बनता है, रेड प्लस येलो तब जाके ऑरेंज बनता है, तो अब जाके आपको 8.4 लेना पड़ेगा, देन आपको रेड मिल गया, अब येलो लेना पड़ेगा 8/3, इसको मिला के तब जाके आपका जो है कॉपर की सीरीज आएगी, क्योंकि इसमें से आपने इसका जो है वो रेड ले लिया और इसका 3/4 आपने गोल्ड ले लिया, तो तब जाके आपका बन गया ऑरेंज। ठीक है, तब जाके आपका जो है ये ऑरेंज बना है, सिंपल मेथड लास्ट बार आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे समझ आ रहा होगा आप कमेंट में मुझे जरूर बता देना, वरना इसके ऊपर मैं एक और टॉपिक पे बता दूंगा वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 5.6 कलर लेना है, ठीक है, लोरियल में शॉर्टकॉप में क्या कलर बन जाएगा 5-, इसका रेड कौन सा है 8, 5-8, वेला में क्या बन जाएगा 5/4, कलर तीनों सेम है बस चेंजिंग हुई है, और पता ये सब कलर बन कब कैसे रहे, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन तब याद होगी, आप बना सकते हो कलर, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि वेला में कौन सा कलर होगा ये कैसा आएगा, अगर आपको पता है ना 5.6 मैंने देखा है कि ऐसा कलर आता है तो वेला में भी वैसे ही आएगा 5/4। ठीक है, उसमें भी सेम कलर आएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आ रही होगी कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जस्ट रिफ्लेक्शन से याद कर रही है, आप किसी भी फैमिली में खेल सकते हो, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बस इसमें जो है 8 रिफ्लेक्शन होती है, इसमें 9 होती है, इसमें भी 9 होती है, कुछ एक्स्ट्रा दे रखी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, इसमें अगर कॉपर हटा रखा है तो एक्स्ट्रा इसकी क्या है रिफ्लेक्शन सेंदरे, ये ब्लू और वॉयलेट से मिलकर बनता है सेंदरे। ठीक है, इनके एस में माना जाता है कि ये बोलते हैं कि हमारे एस में ग्रीन भी है, ब्लू के साथ ग्रीन भी है, और इनके में ब्लू होता है ब्लू वॉयलेट, और इनके में प्योर ब्लू होता है लोरियल में। ठीक है गाइस, और ये जो बेज है, बेज गोल्ड जो होता है म्यूट गोल्ड, यानी कि सॉफ्ट गोल्ड, अगर कोई कहता है ना वो गोल्ड कलर चाहिए लेकिन थोड़ा कम दिखने वाला चाहिए, गोल्ड कलर चाहिए थोड़ा कम दिखने वाला चाहिए, तो आप सॉफ्ट गोल्ड कर सकते हो, यानी कि 7-4। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका सॉफ्ट गोल्ड। अब इसमें लोरियल में सॉफ्ट गोल्ड कैसा बनेगा, 7.03 ये होगा इसका सॉफ्ट गोल्ड। अब बोलोगे ये जीरो क्या होता है, जीरो तो कहीं है नहीं, इस जीरो को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि जीरो का मतलब क्या होता है,
जीरो को हम अगली वीडियो में समझेंगे कि जीरो का मतलब क्या होता है, कितने सारे हमारे कलर होते हैं, 7.30, 8.03, मतलब जीरो जो लग जाते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको ये समझना है तो कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपकी कमेंट को जरूर रीड करूंगा। कि जिसका सही जवाब होगा उसकी कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा गाइस। तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।